जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री राधा बाबा जी से बंका जी की लंबी बातचीत। श्री बंका जी के पास बीए की डिग्री अवश्य थी, परंतु अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्हें जब तब लोगों से रुपए उधार मांगने पड़ते थे। पिताजी उन्हें दुकान पर बैठाना चाहते थे और उनके मानस में चैतन्य मीरा घूमते। मन ग्लानि से भरा था, क्योंकि वे सुशिक्षित होकर भी आत्मनिर्भर नहीं थे। शिक्षा का सदुपयोग कैसे हो, जीवन यापन के लिए क्या करना उचित है, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। 1952 में गीता वाटिका वास के दौरान श्री बंका जी को पूज्य श्री राधा बाबा से लंबी बातचीत करने के कई सुअवसर प्राप्त हुए। अब यह नहीं कहा जा सकता कि आगे लिखी हुई बातें एक ही दिन में हुई या अलग अलग सत्संग के दौरान, परंतु श्री राधा बाबा की बातों का सारांश यही था। श्री बंका जी ने बाबा को अपने जेल जीवन का विस्तृत वर्णन सुनाया। आरएसएस और राजनीति पूर्ण रूप से त्याग देने के अपने महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराया। अविवाहित रहते हुए साधना में जीवन व्यतीत करने की प्रबल चाह की भी जानकारी दी। इन सब बातों को सुनकर बाबा को बहुत संतोष हुआ। यहाँ एक बात पर प्रकाश डाल देना उचित लग रहा है। 1946 में श्री बंका जी अपने मित्र विश्वनाथ मालपाणी के साथ गीता वाटिका आए थे। उस वक्त वे अपनी कविता श्याम यदि मैं जान पाता सुना रहे थे। पूज्य बाबा यह कविता सुनकर श्री बंका जी पर रीझ गए और उन्होंने अपने चार विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा एक अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिया था, जिसका उद्देश्य था श्री बंका जी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। फिर बाबा ने 4 साल तक स्वयं भी यह अनुष्ठान किया था। इन सब बातों का विस्तृत वर्णन पहले आ चुका है। बाबा ने स्वयं किए हुए इसी अनुष्ठान का सुपरिणाम था कि श्री बंका जी के मन में राजनीति से वैराग्य और भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने की तीव्र ललक जागृत हुई थी। इस बात को बाबा भली भांति जानते थे, परंतु उन्होंने अभी तक यह श्री बंका जी के सामने उजागर नहीं किया था। जिस जीव पर संतों की कृपा हो जाए, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन का आना भला क्या आश्चर्य की वस्तु है। 8/4/1952 को बाबा ने श्री बंका जी को बड़े प्यार से समझाते हुए धीरे धीरे कहा, राजनैतिक जीवन का आकर्षण सत्ता और सियासत का प्रलोभन बहुत प्रबल होता है। तुमने राजनीति के असीम दलदल से स्वयं को पृथक करके भक्ति पथ का पथिक बनने की चाह व्यक्त की है। यह करुणा में प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है तुम पर। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव देत यह मार्ग सुई। फिर बाबा एक दृष्टांत सुनाने लगे। पूर्व काल में एक बहुत बड़े विरक्त संत रहते थे। संग्रह के नाम पर एक झोपड़ी और कुछ माटी के बर्तन के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके कई शिष्य भी साथ रहते थे। एक बार एक शिष्य ने कहा कि उसको एक कटी वस्त्र की आवश्यकता है। संत ने पूछा, जो कटी वस्त्र अभी पहन रहे हो उसका क्या करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उस वस्त्र को आपकी कुटिया की खिड़की पर धूप से बचाव के लिए टांग दूंगा। संत ने फिर पूछा, जो वस्त्र अभी खिड़की पर लगा है उसका क्या करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उसे आपका भोजन बनाते वक्त गर्म भात की हंडिया उतारने के काम में लूँगा। संत ने कहा, जिस वस्त्र से अभी हंडिया उतार रहे हो उसका क्या होगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उस वस्त्र को आपकी कुटिया पहुँचने के काम में ले लूँगा। संत ने कहा, जिस वस्त्र से अभी कुटिया पहुँच रहे हो उसका क्या होगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह वस्त्र बिल्कुल चीथड़े चीथड़े हो गया है। मैंने उसको धो धोकर स्वच्छ किया और कपास के तार तार अलग कर दिए। अब उस कपास से आपकी कुटिया में रात के वक्त दिया जलाता हूँ। शिष्य के उत्तर से संत बहुत प्रसन्न हुए और हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा, साधक को जो कुछ प्राप्त हो उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करना ही चाहिए। तुमने बहुत ठीक किया।
उपयुक्त दृष्टांत सुनकर बाबा ने श्री बंका जी से कहा जेल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम पूरी तरह विवश, लाचार, निरुपाय थे, परंतु एक वस्तु थी। तुम्हारे पास, और वो है समय। उस कठिन काल में तुमने समय नष्ट नहीं किया, बल्कि समय का भरपूर सदुपयोग नाम जप में किया। इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। नाम जप से ऊंचा कुछ भी नहीं है। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। साधक का एक एक पल कीमती होता है, परंतु आज का समाज साधक को सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम साधना करना चाहते हो तो स्वयं कमाओ, अपने शरीर की रक्षा करो और साधना करो। वर्तमान युग में अध्यापन कार्य धनोपार्जन का श्रेष्ठ साधन है। भगवत प्राप्ति मार्ग के पथिक के लिए जीविका की अभिपूर्ति सात्विक धन से होना अत्यंत आवश्यक है। मानस तभी शुद्ध हो सकता है जब भोजन शुद्ध हो। शुद्ध भोजन के लिए परम शुद्ध धन की आवश्यकता होगी। अध्यापन कार्य विद्या का दान है, परम पुण्य कार्य है। इससे उपार्जित अर्थ कभी अनर्थ नहीं करेगा। श्री बंका जी को पूज्य श्री राधा बाबा के सत्संग से बहुत प्रोत्साहन मिला और अध्यापन कार्य करने का उनका सुझाव तो बेहद पसंद आया, परंतु मन में कुछ दुविधा भी थी। अध्यापन कार्य उनकी रुचि के सर्वथा अनुरूप था, लेकिन आज के पहले बंका खानदान में किसी ने भी यह कार्य नहीं किया था। अध्यापन की तो छोड़ो, उनके परिवार में किसी के पास डिग्री तक नहीं थी। भाई राम निवास की असमय मृत्यु के कारण अब घरवाले उनका विवाह करवाना चाहते थे। बड़ी मुश्किलों से तो पहले वे विवाह के झंझट से स्वयं को बचा पाए थे, परंतु पुनः वही प्रकरण प्रबल रूप से प्रारंभ हो गया था। अब ऐसी स्थिति में पिताजी को अध्यापन कार्य के लिए राजी कर पाना टेढ़ी खीर था। वे मन ही मन सोचते रहे कि किस प्रकार पिताजी को मनाया जाए, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।